नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आने वाले 2021 में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाली है। चुनाव को लेकर पार्टियों में अपनी अपनी तैयारी को लेकर सभी जोरों शोर से लगे हुए हैं। आइए उसी तैयारी को लेकर, चुनाव को लेकर आज हम लोग बात करेंगे निदुड़िया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सह निदुड़िया ब्लॉक अध्यक्ष शांति भूषण यादव से। अच्छा, जैसे कि 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाली है, इस विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों ने अभी तक क्या क्या तैयारी की है? देखिए सर्वप्रथम आपका, जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। देखिए हम लोग का तैयारी, हम लोग तो डेवलपमेंट कर फील्ड में जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि अभी हम लोग बंगध्वनी यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में हम लोग जा रहे हैं। और हमारे राज्य सरकार द्वारा जो पिछले जो 10 साल में हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट का काम किए हैं, प्रत्येक सेक्टर समेत हम लोग डेवलपमेंट को लेकर हम लोग गाँव में जा रहे हैं। और हम लोग को ये जो दुआरे दुआरे सरकार जो हम लोग का ये जो कर्म सूची है, इस पर हमारे पूरा पश्चिम बंगाल का जनमानस एक ऐसा सारा दे रहा है, मैंने प्रत्येक मानुष उल्लासित है कि ऐसा एक तरह का चीज़ दीदी द्वार पर लाकर हम लोग को दे दे रही है, जो आज तक कोई सरकार नहीं दिया। तो इसमें हम लोग को देखा जा रहा है कि हम लोग को काम करने में बहुत सुविधा हो रहा है। और हम लोग जो लेखा जो का जो फील्ड में उतार कर दे रहे हैं, जो 10 साल में हम लोग डेवलपमेंट का काम किए, इससे हम लोग को बहुत माने 10 कदम हम लोग आगे चल जा रहे हैं, और अलग अलादा विरोधी पार्टी के तरफ से। अच्छा सर, हमारे बंगाल सरकार में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने धीरे धीरे अपने कदमों को जमाते चला जा रहा है। इस बार जैसे कि CBI छापेमारी हुआ है, वहाँ से इस छापेमारी से बंगाल के लोग, बंगाल के खासकर पॉलिटिशियन काफ़ी घबराहट में है। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? देखिए बंगाल का कोई भी पॉलिटिशियन घबराए हुआ नहीं है। देखिए हम भी एक लोकल पॉलिटिशियन, हमारा इलाका में इस तरह का घटना घटा है। मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा खुलासा हो, क्योंकि आज मैं सुबह में पेपर पढ़ रहा था कि सांसद जो हैं दिल्ली के, बहुत व्यक्ति के नाम इसमें आने वाले हैं। मैं भी चाहता हूं कि इसका खुलासा हो, इसलिए खुलासा होना जरूरी है कि जो हमारे जो सांसद पुरुलिया जिला के, हमारे एक सप्ताह के आगे एक मीटिंग से बोले थे कि पश्चिम बंगाल में जो भी दुर्नीति का काम होता है, उसके बाद यहाँ के जो माने माफिया हैं वो जाकर शेल्टर लेते हैं बिहार और यूपी में। मैं आग्रह करूंगा कि CBI से कि इसका पूरा तरह से तदंत हो, क्योंकि हम लोग का अस्तित्व का लड़ाई है। मैं चाहूंगा कि इसका पूरा तरह से खुलासा हो कि इसमें बीजेपी के कौन कौन नेता इसमें लिप्त हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सरकार दुर्नीति का सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, तृणमूल के शुभेंदु अधिकारी जो अपने कई पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, अभी सुनने को ये खबर आ रही है कि वो भाजपा में शामिल होंगे, तो क्या भाजपा में अगर शुभेंदु अधिकारी शामिल हो जाते हैं तो तृणमूल को फर्क पड़ेगा? देखिए गांव-गांव में आदमी एक ही चीज़ जानता है, ममता बनर्जी को देखता है, ममता बनर्जी का होकर काम करता है। हमारा नेता एक, नेत्री एक, ममता बनर्जी। हमारा कौन आता है कौन जाता है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आम पब्लिक से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग पहचान कर रखिए, 10 साल हमारे चीज़ को खाए पिए और लास्ट में जाकर विरोधी दल का दामन थामने, सुन रहे हैं, विरोधी दल का दामन थामेंगे। हम लोग का कौन आया कौन गया उससे कोई मतलब नहीं, हमारा दीदी ठीक रहेगी, हम लोग सब दीदी के साथ में रहेंगे। हम लोग दीदी को देखकर पार्टी करते हैं और दीदी को देखकर आने वाले दिन में हम लोग पार्टी करेंगे। पश्चिम बंगाल में कौन आता है कौन जाता है उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी अभी हाल ही में खबर आई है कि आपको पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद बधाई देने के लिए। देखिए मेरा बड़ा दायित्व तो है, मेरे हमको जो दायित्व तो दिए हैं, दीदी को हम धन्यवाद देंगे, विवेक गुप्ता जी को भी धन्यवाद देंगे कि मुझ पर जो भरोसा किया गया है एक बड़ा दायित्व तो देकर, हिंदी भाषा भाषी को एक कर पूरे जिले में हम लोग तृणमूल होकर हम लोग काम करेंगे। हम लोग देखिए ऐसे भी हिंदी भाषा भाषी को अलग नज़रिया से देखा जाता था 2011 से पहले, लेकिन ममता सरकार आने के बाद में हम हिंदी भाषा वासियों को सम्मान मिला है। देखिए मैं खुद एक हिंदी भाषा वासी होकर हमको ब्लॉक का दायित्व मिला है। हम इसके आगे 5 साल पंचायत समिति के सभापति रह चुके हैं, अभी वर्तमान में सहसभापति हैं। बगल में हमारे जितेंद्र तिवारी जी हैं जो हिंदी भाषा वासी से एक मेयर है, मेयर का महत्व आप लोग जानते होंगे।
हम लोग हिंदी भाषा भाषी का सम्मान मावाटी मानुष सरकार हम लोग को दिया है। हम लोग का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हिंदी प्रत्येक हिंदी भाषा भाषी को एक कर ममता बनर्जी को हाथ सख्त करने के लिए हम लोग एक मुहिम लेकर हम लोग सरकार को सपोर्ट करेंगे। आने वाले दिन में मैं आशा रखता हूं कि हम पर जो आशा जताया गया है पूरा पुरुलिया जिला के हिंदी भाषा भाषी को एक कर मावाटी मानुष के सरकार की तरफ से हम लोग काम करेंगे और आने वाले दिन में हम लोग दिखाएंगे कि 2021 साल में ममता बनर्जी छोड़कर सीएम कोई नहीं बन सकता, इसका प्रमाण हम हिंदी भाषा भाषी भी देंगे। आने वाले नया साल और उसी साल में चुनाव, इसे लेकर आप पुरुलिया एवं नितुरिया वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए 2020 साल प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक चैलेंजिंग साल था। हम लोग 2020 साल में लगभग घर में हम लोग समय व्यतीत किए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मानकर। 2020 जो बोला जा रहा है पूरा इस साल ही बीस गया है। आने वाला 2021 साल मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 2021 साल आने वाला प्रत्येक के लिए अच्छा जाए, उल्लासपूर्ण हो जाए। और 2021 साल में हम लोग का पश्चिम बंगाल का एक चैलेंज है, चूँकि विधानसभा इलेक्शन है, मावाटी मानुष का सरकार 2010 साल माने लगभग 2011 से 10 साल चला है। आने वाले 5 साल और हम लोग ममता बनर्जी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। प्रत्येक इलाकावासी से अनुरोध है कि नया साल आपका अच्छा कटे और आने वाले दिन तृणमूल कांग्रेस का हाथ सख्त करने के लिए हम लोग जिस तरह से कदम उठा रहे हैं आने वाले दिन में सबके लिए अच्छा होगा और आने वाले दिन में फिर से 21 में ममता सरकार बनेगी, हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास है।